हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों से ये सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही यम्मी सी डिश लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज आलू मटर की चाट। तो चलिए बनाते हैं मेरे किचन में आलू मटर की चाट। इसमें आपको बताऊंगी, मैंने 3 से 4 घंटे तक ये जो मटर ली थी, सूखी वाली मटर, इसको मैंने अच्छे से पानी में गला दिया था। और अब हम इसको कुकर में डालकर 3-4 सीटियां लगवा लेंगे। मैंने मटर को रख दिया है कुकर में और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ी बड़ी चम्मच से मैं डालूंगी धनिया पाउडर, क्योंकि मुझे धनिया पाउडर बहुत अच्छा लगता है। ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटियां दिलवा लूँ। मैंने अच्छे से आलूओं को बॉईल कर लिया था और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पत्ते, नमक स्वाद अनुसार। गाइस, इसमें मैं अब लाल मिर्च डालूँगी और अरारोट पाउडर डालूंगी ऊपर से। तो गाइज, यहाँ पर हमारी मटर अच्छे से गल चुकी है और अब हम इसको थोड़े से पानी में कढ़ाई में पलट कर खौला लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऐसे इसको। गाइस, मटर अच्छे से अपनी जो थी गाढ़ी हो गई है, इसको हमें ऐसे ही रखना है बस। अब हमें इसकी ऐसी टिकिया बना के तैयार करनी है। ये मैंने बना के रखी थी पहले से, ये इस टाइप से हमें इसकी टिकिया बना के तैयार करना है और रख लेना है। तो गाइस, मैंने ये गैस पे पैन रख दिया था और इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर दूंगी ऑयल लगा के। हमें चारों तरफ से ऑयल लगाना है इसमें। अब मैंने जो आलू की टिकिया बना के तैयार करी थी, एक एक करके मैं इस पैन में रख दूंगी। तो आप देखेंगे कि आलू की टिकिया एक साइड से पक चुकी है, तो अब सिक चुकी है, तो अब मैं इसको पलट लूँगी। गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास, मैंने वैसे 2 टीस्पून मैंने इसमें अरारोट पाउडर मिक्स करा था, अगर आपके पास अरारोट पाउडर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। सिक गई थी तो इसको हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मेरे पहले वाली टिक्की अच्छे से सिक चुकी थी, तो अब हम दूसरी बार भी ऐसे ही करके टिकिया को तवे पर डाल देंगे। गाइस, मैंने ये चाट बनाने के लिए चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है पानी बताशा, तो पानी नहीं है, ये बताशे ही हैं, इन्हें हम फुल्की भी कहते हैं। और ये है इमली की मीठी वाली, इमली और गुड़ की मीठी वाली चटनी। ये है बारीक वाले जो फीके सेव आते हैं, ये वो वाले सेव हैं। ये हरी चटनी है हरी धनिया मिर्ची की, ये मैंने लिया है इधर दही, ये इधर लिया है मैंने ओनियन, ये है भुंजा जीरा और ये है लाल मिर्च। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने टिकिया और जो मटर थी वो मैंने पहले ही रेडी करके रखी थी और अब मैं आपको चाट बनाना बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर टिकिया को अच्छे से जमा लेंगे। तो मैंने इस पर ये 4 टिकिया को अच्छे से जमा लिया। तो मैंने यहाँ टिक्की पर मटर डाल दिया था और ये जो फुल्की है इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी, इसके दही डालूंगी इधर मैं, और इसके ऊपर अब मैं हरी चटनी डालूंगी। ये मैंने हरी के अकॉर्डिंग इधर मैं मीठी चटनी डालूंगी, कई लोग मीठा कम खाते हैं। और अब पे भुंजे वाले जीरे को अच्छे से डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, अगर आप लोग तीखा कम खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इधर अब मैं इस पे ये जो बारीक सेव लिए थे उनको अच्छे से इसके ऊपर सर्व कर दूंगी। और इस पे मैंने ये जो बारीक प्याज को काट के रखा था वो मैं इस पे डाल दूंगी। तो
गाइस मेरी ये चाट बनके तैयार हो गई है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।